बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने पेंशनर्स को राहत दी है। राज्य सरकार ने डीआर में 6% की वृद्धि कर दी है। सातवें वेतनमान की पेंशन की डीआर पर 6% की वृद्धि हुई है। छठवें वेतनमान की पेंशन की डीआर 15% की वृद्धि। 1 अगस्त 2022 से मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई की ये राहत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने डीआर बढ़ा दिया है। सातवें वेतनमान के हिसाब से राज्य सरकार ने पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने डीआर में 6% की वृद्धि कर दी है और सातवें वेतनमान की पेंशन की डीआर पर ये 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं छठवें वेतनमान की पेंशन की डीआर 15% की वृद्धि हुई है। 1 अगस्त 2022 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो डीआर बढ़ाया गया है इसका लाभ 1 अगस्त से लोगों को मिलेगा, यानी कि अक्टूबर में जो पैसा मिलेगा उनको वो अगस्त और सितंबर के एरियर के साथ मिलेगा। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक बड़ी राहत है पेंशनर्स के लिए, और क्या कुछ जानकारी, और अगर इसकी हम आर्थिक नजरिए से देखें तो कितना बोझ सरकार पर पड़ेगा इसका? हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार पर जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार से अगर डेवलपमेंट होता है या फिर कोई नए ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं तो उससे सरकार पर लोड जरूर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये महंगाई के समय पर उन पेंशनरों के लिए एक काफी अच्छी और राहत की खबर है कि अब राज्य सरकार ने जो उनकी पेंशनों की जो महंगाई सरकार ने जो उनकी पेंशन है उसको बढ़ा दिया है। महंगाई राहत में सरकार ने करीब 6% की जो वृद्धि है वो कर दी है और इसका जो लाभ है वो 1 अगस्त 2022 से जो मिलना है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए सातवें वेतनमान की जो पेंशन की डीआर होती है उस डीआर पर 6% की जो वृद्धि है वो राज्य सरकार ने कर दी है, जिसके चलते छठवां वेतनमान की जो पेंशन की डीआर है अब वो 15% की जो वृद्धि है उसके साथ मिलेगी। साथ ही साथ जो 2 महीने का एरियर है वो भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेंशनधारी है उनके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने अपना पिटारा खोला है, उनको राहत पहुंचाने का यहाँ पर काम किया है। जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा है वो जहाँ एक और पेंशनर्स को मिलेगा तो वहीं 2023 के चुनाव में राज्य सरकार को भी पेंशनर्स के वोट बैंक से मिल सकता है। शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो डीआर में 15% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमरिया दौरे पर पहुंचे, जहां मलियागुड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हितग्राहियों से संवाद किया और अधिकारियों से आए आवेदन के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब और किसान तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया। देखो ये योजना इसलिए है कि हमारी दीदियों की, मेरी इन बहनों की आमदनी बढ़े। बढ़ना चाहिए कि नहीं आमदनी, बताओ? अरे बोल के बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए, काहे को डरना है? अब तो आगे बढ़ना है अपन को, और मुख्यमंत्री तुम्हारा भैया तो काहे को डरना पड़ना है, तेजी से आगे बढ़ना है। अब गरीब भी नहीं रहना और पीछे भी नहीं रहना, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। हम काहे को गरीबी में रहने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। तो सब योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान है।